गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। प्रार्थिया कैलाशी की और से दिनांक 15/9/2018 को अप्रार्थी रवि के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया गया। विराम। नेक्स्ट। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करीब 6 वर्ष पूर्व अप्रार्थी के साथ संपन्न हुआ था। विराम। विवाह के समय उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार जर जेवरात तथा दान दायजा पेटे नकद 80,000 रुपये दिए थे, जो कि अप्रार्थी और उसके परिवारजनों के पास है। विराम। विवाह के बाद प्रार्थिया अपने ससुराल गई और अप्रार्थी की पत्नी बनकर रही, जिससे उनकी 2 संतानें एक पुत्री व एक पुत्र का जन्म हुआ। किंतु संतान जन्म के बाद अप्रार्थिया और उसके परिवारजनों का व्यवहार प्रार्थिया के प्रति क्रूरतापूर्ण हो गया। विराम। उसके पति सास ससुर ननंद नंदोई आए दिन उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट करते और दहेज में 3 लाख रुपये की मांग करते। नहीं देने पर मारपीट व अकारण गाली गलौज करते। विराम। दहेज की बात उसने अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने दहेज में 3 लाख रुपये देने में असमर्थता जताई, जिस पर अप्रार्थी और उसके परिवारजनों ने बिना दहेज के प्रार्थिया को रखने से साफ इनकार कर दिया। विराम। उसकी ननंद उसे अन्यत्र नाते चले जाने के लिए कहती, जिससे कि उन्हें झगड़े पेटे की रकम मिल जाए। विराम। करीब 11 माह पूर्व सभी ने हम सलाह होकर दहेज में 3 लाख रुपये की मांग कर मारपीट कर उसके पहने हुए सभी जर जेवरात स्त्री धन छीनकर बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। विराम। नेक्स्ट। अप्रार्थी को जारी नोटिस दिनांक 17/12/2018 को बाद तामिल आया। विराम। उक्त पेशी पर अप्रार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया, जिसकी आगामी पेशी दिनांक 16/4/2019 को अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, लेकिन उक्त पेशी के बाद अप्रार्थी की ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया, जिस पर दिनांक 17/5/2019 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विराम। साक्ष्य प्रार्थिया में प्रार्थिया ने स्वयं को AW1 के रूप में तथा अपने पिता को AW2 के रूप में परीक्षित करवाया। विराम। दस्तावेजी साक्ष्य में उसके बच्चों के फोटोग्राफ को प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवाया। विराम। अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। विराम। नेक्स्ट। प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय को यह तय करना है कि क्या प्रार्थिया कैलाशी अप्रार्थी रवि की विधिवत विवाहित पत्नी है,
जो कि युक्ति युक्त कारण से अप्रार्थी से अलग निवास कर रही है। क्वेश्चन मार्क, क्या अप्रार्थी साधन संपन्न व्यक्ति होते हुए भी प्रार्थिया का भरण पोषण नहीं कर रहा है, जिससे प्रार्थिया अप्रार्थिया से भरण पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार है? क्वेश्चन मार्क्स,